Take the page number 60, all of you. English folder. Lesson number 20, adverbs of manner. What is heading? Adverbs of manner. Look at the first box. A word that gives more information about a verb or an adjective is called adverb. जो word जो हम लोगों को verb के बारे में information बड़ा verb और an adjective. Adjective या verb के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं उसको बोला जाता है adverbs. Adverbs can also tell us more about other adverbs. Adverb जो है हम लोगों को adverb can also tell us about other adverbs. Adverbs के बारे में भी बता देता है. Adverbs tell us how, where, when or how often and to what extent an action a verb is done. Adverb tell us how, कैसे है, where, कहा है, when, कब और how often, कितनी, how often, how, कभी कभी कैसे होता है. And to what extent an action a verb is done, वो क्या करते हैं उसके बारे में भी बताते हैं, वो कैसे करता है. Adverbs are classified into manner, place, time and frequency and degree. Three types में adverb को बताया जाता है. Four types में manner, place, time and frequency and degrees. And frequency and degrees. हम लोगों को इधर adverb का manner बताना है इस क्लास में, इस यूनिट में से. ओके, adverb of manner के बारे में इस लेसन में हम लोगों को लर्न करना है. Adverbs of manner tell us the manner in which an action is done. Adverb of tell us the what manner, कौन सी manner में आप एक वस्तु बताते हैं. Manner in which ये action किया है, in which an action is done. ये एक action कैसे किया है इसके बारे में बताता है. Action is done. एक action आपने जो काम किया वो आपने कैसे किया उसके बारे में बताता है. Understand an adverb of manner. The manner, that means the manner in which an action is done. कैसे किया है वो और अच्छा किया है, बुरा किया है उसको बताता है adverb of manner. Okay? They answer the question how, कैसे किया है, how उसका answer मिल जाएगा वो देखने से. First example, he started snowing suddenly. He started snowing suddenly. उसने snowing करना शुरू कर दिया. The children shouted excitedly. बच्चे shouted excitedly. कैसे excited होकर क्या करने लग गया, shout करने लग गया. तो वो हो गया snowing, ये हो गया. He started snowing suddenly. बहुत सारे snowing एक साथ शुरू हो गया. The children shouted excitedly. बच्चे excitedly shouting करना शुरू किया. Most adverbs of manner are easy to form or identify. बहुत सारे adverbs हम लोगों को पता जल्दी चल जाता है. We form them by adding L by. क्या add किया उसने, L by add करके हम लोग उसको बता जाता है, adverb को बताता है. To an adjective. Adjective के साथ क्या डालता है, L by. Adjective sweet, careful, happy. Adverb sweetly, carefully, happily. तो adjective जो है sweet, careful और happy. इसको हम लोगों ने adverb बनाया. ये adjective है, adverb बनाया तो क्या हुआ, sweetly हो गया, carefully हो गया, then happily हो गया. तो क्या add किया हम लोगों ने सभी के साथ, L by add करके adverb को बनाया. Adjective के साथ ही सारा adjective इसके साथ हम लोगों ने L by add करके क्या बना लिया, adverb. A few adverbs of manner from differently. That means adjective good, then उसका adverb हो गया well. Good का क्या हो गया, well. उसका हो गया well. ये adjective है. Okay,
गुड का एडवर्ब बना तभी वो क्या बन गया, वेल बन गया, फास्ट, फास्ट का कैसे हो गया, ए फास्ट का, ही ड्राइव्स फास्ट, तो उसमें आ गया दैट सेम वे, बट द टॉकिंग द मैनर इज, इसको जो अरेंज करना है वो अलग हो जाता है, दैट आल्सो फास्ट, देन हार्ड, दैट आल्सो दे वर्क टू हार्ड, उसको बोलने का तरीका, अरेंज करने का तरीका चेंज हो जाता है, ए हार्ड टास्क, दे वर्क टू हार्ड, दोनों में चेंजेस है ना, ए हार्ड टास्क है और ए दे वर्क हार्ड, उसके जैसे ही ए फास्ट का, देन ही ड्राइव फास्ट, दोनों अलग अलग तरीके से वैसे एडजेक्टिव को हम लोग एडवर्ब में चेंज किया जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, दिस आर द रूल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज वर्क ऑफ दिस वर्क, दिस लेसन, ओके, गुड वेल फास्ट सेम एज फास्ट, देन उसका जो बताने का मतलब है ए फास्ट कार है पर उसका चेंज हो के एडवर्ब में कैसे हो गया, ही ड्राइव फास्ट, फास्ट ही है, दोनों तरीके से एडवर्ब एडजेक्टिव को हम लोग एडवर्ब में यूज किया गया है, वैसे ही हार्ड ए हार्ड टास्क, उसको हम लोगों ने एडवर्ब में कैसे यूज किया, दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड, दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस लेसन्स वर्क, ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज, व्हाट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, फोकस, फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दिया गया है हम लोगों को, उसमें से क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है, ओके, लुक, स्वीट, वन नंबर, स्वीट, व्हाट इज द आंसर, स्वीटली, टू, केयरफुल, मैंने ऊपर लिखा था केयरफुली, देन थ्री, हैप्पी, क्या ये हैप्पीली, देन चीप, फोर नंबर, चीप, सी एच ई ए पी, चीप, चीपली, सी एच ई ए पी एल वाई, चीपली, देन फाइव, क्यूक, क्यू यू आई सी के, क्यूक, क्यूकली, क्यू यू आई सी के एल वाई, क्यूकली, देन सिक्स, स्लो, स्लोली, एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई, स्लोली, देन सेवन, वेल, गुड, इसका अच्छे चीज है वेल, देन हार्ड, द सेम हार्ड, दिस आर द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव चेंज इनटू एडवर्ब, ओके, डू फास्ट,
Now the next exercise practice. What is the heading? Fill in the blanks by making adverbs from the verbs given in the brackets. Brackets में दिए गए verbs से या adjectives से आप लोगों को क्या बनाना है? Adverb बनाना है. Proper बना के उसको fill in the blanks करना है. One. Both the sisters dance dash beautifully. दिया गया है. क्या दिया गया है? Beautiful. क्या है उधर आंसर? आंसर ए इज ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली बी ए यू टी आई एफ यू डबल एल वाई ब्यूटीफुली दैट इज द आंसर ऑफ वन नंबर. बोथ द सिस्टर्स डांस ब्यूटीफुली दैट इज द आंसर. नाउ टू नंबर. शी वाज क्राइंग. द वर्ड इज बिटर. बिटरली शी वाज क्राइंग बिटरली बी आई डब्ल्यू टी L-Y, bitterly. That is the answer for 2. She was crying bitterly. Bitter adjective है उसको हम लोगों ने adverb बनाया है L-Y लगा के. Then third word, I saw them waving at me. Dash, cheerful, cheerfully. I saw them waving at me cheerfully. C-H-E-E-R-F-U-L-L But cheerfully. That is the answer for 3 number. I saw them waving at me cheerfully. Now, the last time we met, we had chattered dash endless. What is the answer? Endlessly. Endlessly. That is the answer. Endlessly. The last time we met, we had chattered endlessly. Then fifth number, the clown smiled dash playfully. What is the playfully? The clown smiled playfully. P-L-A-Y, play, F-U-L-L-Y, playfully. That is the answers of this exercise practice. Write down complete the answers for you. Now extension. इसके पहले some information are there. Sometimes we make mistakes with the usage of subtile words that act as both adjectives and adverb. कभी-कभी हम लोग mistake कर जाता है adjective में use करने में और adverb बनाने में. Okay? Look at the sentences below to understand the difference. क्या difference होता है? कोई adjective हम लोग adverb बनाने से क्या wrong हो सकता है? Sanjay learns very fast. Then Sanjay is a fast learner. ये that is the adverb क्या है? Fast. इसमें दिया गया है adverb क्या है? Fast. उसका use करने में हम लोगों को changes देखना है. संजय लर्न्स वेरी फास्ट. तो हम लोग को वो रॉन्ग सेंटेंस होता है उसको कैसे लिखना है? संजय इज ए फास्ट लर्नर. संजय इज ए फास्ट लर्नर दैट इज द करेक्ट आंसर. देन संजना वेक्स अप अर्ली एवरी डे. एडवर्ब में एवरी डे दिया गया है दैट इज संजना इज एन अर्ली राइजर. उसको दूसरी तरीके में हम लोग लिखा जाता है सज्जना इज आर अर्ली राइजर. जल्दी उठने वालों में से है सज्जना. पर क्या लिखा है? सज्जना वेक्स अप अर्ली एवरी डे. रोज वो जल्दी उठ जाती है. तो उन दोनों सेंटेंस में यूज करने में डिफरेंसेस है. दैट इज द
differences between the adverb or adjective कैसे आपको use करना है. These are the differences to use of the adverb and adjective. Adjective को कैसे use करना है और adverb को कैसे use करना है वो बताया है. For example, they are there. Now we are going to complete the extension exercise. तो वो जो arrangement मतलब वो तरीका जो है बोलने का या language कैसे use करना है उसमें सेंटेंस मेकिंग कैसे करना है वो उसमें ध्यान आपको देना है. एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज करने के टाइप सेम होता है उसका यूज कैसे होना चाहिए. ओके नाउ द एक्सरसाइज एक्सटेंशन ए व्हाट इज हैपनिंग हियर. Identify whether the underlined words are adjectives or adverb. आपको सेंटेंस में से पता चलेगा वो आसार अंडर एडजेक्टिव यूज किया है या आसार एडवर्ब यूज किया है. राइट एडजेक्टिव फॉर एडजेक्टिव्स एंड एडीवी फॉर एडवर्ब इन द कीवर्ड स्पेसेस. तो आप पूरा एडजेक्टिव भी लिखना एडवर्ब भी लिखना. ओके देन एक्सरसाइज वन फर्स्ट नंबर I had a late lunch today. Then second line में he slept late and missed the bus. तो first word number में late जो है क्या है adjective है. क्या है adjective क्या लिखना है उधर आपको adjective. तो उसी word number का दूसरा late जो है क्या है उसी में भी ले लिया ना क्या है वो लाइफ एडवर्ब. दूसरे में कैसे यूज किया है वो ले एडवर्ब में यूज किया गया है. दिस आर द आंसर ऑफ वन. नाउ टू ही हैड लेट लंच टुडे. ही हैड लेट लंच टुडे देन दूसरे में ही स्लेप्ट लेट. दोनों सेंटेंस में डिफरेंसेस है. तो एक में फर्स्ट वन में आसान एडजेक्टिव यूज किया है सेकंड वन में आसान एडवर्ब यूज किया है. देन टू नंबर दिस मेटल इज टू हार्ड वी नीड समथिंग सॉफ्टर. द दिस मेटल इज टू हार्ड उसको कैसे एडवर्ब जैसा हार्ड जे आगे हार्ड का क्या यूज हुआ है फर्स्ट नंबर में एडवर्ब. देन सेकंड वन में ही इज वर्किंग hard to finish work on his time. That is, this hard is adjective. Okay, now three number. Ria is reading the daily horoscope. Then Ria reads her horoscope daily. So, दोनों को देख के करना है. Daily, first one daily में और सेकंड वन डायरी में क्या डिफरेंसेस है. ओके डी आई ए एल वाई डायरी सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है रिया इज रीडिंग हर डेली हॉरोस्कोप. रूटीन वर्क है तो एडजेक्टिव है उसका. क्या है वो एडजेक्टिव. Then second one में कैसे यूज किया रिया रीड्स हर हॉरोस्कोप डेली रोज. दैट इज एडवर्ब. क्या है वो एडवर्ब के रूप में यूज किया है सेकंड लाइन में. ओके दिस आर द आंसर्स ऑफ थ्री. नाउ फोर friendly people are our neighbors. These friendly people that is adjective. For number में friendly F R I E N D L Y friendly adjective है वो. Then next friendly our neighbors are very friendly that is adverb. That is adverb. Then five number the
lovely girl sitting next to me is very is my daughter. Is my the lovely girl, that is adjective. Then the flowers are lovely, that is adverb. So now the sixth number, Anirudh fell on the slippery floor. Slippery floor, that is adjective, slippery. Used as an adjective. Then second one, be careful, the floor is slippery, that is adverb. Okay, look, first one, I had a late lunch today, that is adjective. He slept late and missed the bus, adverb. This metal is too hard, that is adverb. He is working hard, that is adjective. Riya is reading her daily horoscope, that is adjective. Riya reads her horoscope daily, that is adverb. These friendly people are our neighbors, that is adjective. Then our neighbors are so friendly, are very friendly, that is adverb. Then fifth number, the lovely girl sitting next to me is my daughter, that is adjective. Then the flowers are lovely, that is adverb. Anirudh fell on the slippery floor, that is adjective. The careful, the floor is slippery, that is adverb. Okay, these are the answers of this exercise. Now you have to note out your homework of today. Now don't do your homework of today. अपने होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए पूरा एक्सरसाइज वन टाइम करना, दैट इज योर होमवर्क. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे.